बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ना है? कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट ऑपरेटर्स और चैप्टर नंबर 9 तकरीबन हमारा एंड हो गया है। थोड़ा सा उसका पोर्शन रह गया वो डिस्कस करके, तो इस चैप्टर को कम्प्लीट करते हैं और चैप्टर नंबर 10 भी थोड़ा सा आज मैं पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है? तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स तक पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक है हमारा जिसमें बाइनरी, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स का जिक्र है, वो मैंने आपको बस बताना है। उसके बाद वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर है, ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है टॉपिक। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक है कमेंट्स वाला, जो कि आपके ALP में नहीं है, ये वाला आपके ALP में शामिल नहीं है, तो ये नहीं करना हमने। तो जनाब स्टार्ट करते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। याद रखो, तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं ना, वो तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये जो तीन है ऑपरेटर्स, तीन कैटेगरी हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है? एक कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर्स की, दूसरी कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर्स की, और तीसरी कैटेगरी है टर्नरी ऑपरेटर्स की। यूनरी ऑपरेटर्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जिसको एक ही ऑपरेंड रिक्वायर होता है, मतलब जिसके साथ एक ही ऑपरेंड लिखते हैं हम दो, यानी एक ही वैल्यू या वेरिएबल लिखते हैं, एक से ज्यादा नहीं लिखते, वो यूनिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, दो से कम नहीं हो सकते, ना दो से ज्यादा हो सकते हैं, एग्जैक्टली टू ऑपरेंड्स रिक्वायर। और तीसरे नंबर पे आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऑपरेटर्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसको ज़रा आपने देख लेना है और आपने लिख भी लेना है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। यूनिटी ऑपरेटर के अंदर आते हैं हमारे पास, लिख लें, यूनिटी ऑपरेटर में मैं यहाँ से निशान लगाता हूँ। यूनिटी ऑपरेटर में हमारे पास लॉजिकल नोट आ जाता है। आपने देखा होगा कि राइट साइड पर ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती है और साथ लग जाता है लॉजिकल नोट। अगर वो कंडीशन टू है यानी वन है तो लॉजिकल नोट उसे जीरो कर देता है, और अगर वो जीरो है तो ये उसको वन कर देता है। तो एक ही ऑपरेंड चाहिए ना इसको, जीरो या वन। जीरो है तो उसको वन कर देगा, वन है तो उसको जीरो कर देगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि वो भी एक ही वेरिएबल के साथ लगते हैं, उनको एक से ज्यादा वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं है। हमने कल भी देखा था, आपको याद होगा, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देखो माइनस माइनस जे लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके साथ कितने ऑपरेंड्स हैं? एक ही है, कौन सा? जे। इसी तरह से जे माइनस माइनस, इस माइनस माइनस के साथ कितने ऑपरेंड्स हैं? एक ही है, जे। इस तरह से प्लस प्लस भी। तो यूनिटी ऑपरेटर तीन है हमारे पास, कौन कौन से? लॉजिकल नोट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तीन हो गए। अच्छा जी, अगली बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स में दो ऑपरेंड्स होते हैं। तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि मैं निशान लगाता हूँ, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है। तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये भी बाइनरी है, ये भी रिलेशनल है बाइनरी। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सब के लेफ्ट साइड पे भी एक वैल्यू होती है या वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे भी वैल्यू या वेरिएबल होता है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं जिन पर मैंने टिक लगाया है, ये सारे के सारे बाइनरी हैं, क्योंकि इनको दो ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पे, ठीक है जी। और टर्नरी ऑपरेटर जो है उसको तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं, वो चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे। वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क वाला, आपको याद होगा बेटे जितना मैंने पढ़ाया। अगर इसमें कोई सवाल है तो कर लो, और अगर समझ आ गई तो तब भी बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ और नेक्स्ट जो हमारे पास एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फिलहाल यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लो, और अगर समझ आ गई तो जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एक टर्म है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में जरा समझ लो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अच्छा ये देखो, जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू में प्लस वन करना हो या माइनस वन करना हो तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यही पढ़ा ना हमने। अच्छा एक सवाल है मेरा, जब हमने किसी वेरिएबल में दो का इजाफा करना है, प्लस फाइव करना है, प्लस टेन करना है या माइनस टेन करना है, माइनस फिफ्टीन करना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू है फाइव, नजर आ रहा ना सबको, ए की वैल्यू है फाइव और ए की वैल्यू में मैंने प्लस थ्री करना है, तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए की वैल्यू में प्लस थ्री कर दो। कैसे भला? ये जो इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन क्या करता है, इक्वल का साइन जो है वो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू किसको अलाउड कर देता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। तो राइट साइड पे क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए प्लस थ्री, ए की वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट, तो एट किसको मिल गया, ए को ही मिल गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है जनाब, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है एट। ठीक है, इसी तरह से माइनस, इसी तरह से मल्टीप्लाई, उसी तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। इतनी समझ आ गई? अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना मैंने a इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू थ्री। तो ये जो प्लस और इक्वल साथ लग गए हैं इनको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड और इसी तरह माइनस भी लगाया जा सकता है, जैसे उसने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया हुआ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है j मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है j इज इक्वल्स टू j मल्टीप्लाई 5, यानी j की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो और आंसर j में स्टोर करो, यानी j की वैल्यू यहाँ 10 है तो इसके बाद j की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, इस तरह से यहाँ डिवाइड हुआ है। इसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से, और अगर समझ आ गई तो तब भी बता दो, जल्दी से बता दो मुझे, मैं फिर उसके बाद आगे आपको एक और चीज़ रह गई है वो भी बता देता हूँ। लास्ट पर उसने एक टॉपिक लिखा हुआ है वर्किंग विद रिवीजन ऑपरेटर, ये मैं पढ़ाता हूँ, पहले मुझे बता दो, इसे पढ़ लो, कोई सवाल है तो कर लो जल्दी। अच्छा वर्किंग विद रिवीजन ऑपरेटर में वो ये कहता है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, नंबर दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन चांसेस होते हैं कि आंसर आपका पॉइंट में आए, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 5 है और 5 को मल्टीप्लाई वो कर रहा है 0.5 से, तो जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2.5। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0.5 से। इसी तरह से b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 लिखा हुआ, इसका आंसर भी आएगा 2.5। लेकिन जब आंसर स्टोर होगा, क्योंकि अगर हमने b को लिया हुआ इंटीजर, a को भी लिया हुआ इंटीजर, तो 2.5 नहीं स्टोर होगा बल्कि 2 स्टोर होगा। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि जब आप पॉइंट वाली वैल्यू को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर दो नंबर्स को डिवाइड करो, जैसे यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो आप फिर क्या करो, आप जिस वेरिएबल में आंसर स्टोर कर रहे हो उसको फ्लोटिंग टाइप ले लो, वरना वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। ट्रंकेट का मतलब है उसको निकाल देगा, इग्नोर कर देगा, वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा,
पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को ही रखेगा, ठीक है, वरना वो एक ट्रंकेट कर देगा। ये लिखा हुआ है ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है खारिज कर देना, निकाल देना, इग्नोर कर देना, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 कम्प्लीट होता है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो कर लो बेटे, और समझ आ गई तो तब भी मुझे बताओ जल्दी से। ओके जी, फिर बाकी चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।